नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी क्लब में। और ये है एसएससी सीएचएसएल का रेशियो प्रोपोर्शन का वीडियो, जिसमें सारा क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो 74 शिफ्ट में आए थे। बहुत लोगों ने बोला था कि रेशियो का वीडियो बनाने के लिए, और नंबर सिस्टम का वीडियो आएगा जल्दी, कल मैं उसको अपलोड कर दूंगा। आज मैं पूरा का पूरा रेशियो प्रोपोर्शन बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, कैसे सॉल्व करना है। इससे पहले सारा का सारा चैप्टर मैंने सॉल्व करा दिया है। जो भी आप चैप्टर देखना चाहते हैं, डिस्काउंट हो, एवरेज हो, परसेंटेज हो, जो भी हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। सारा का सारा पीडीएफ है, आप पीडीएफ स्टोर पे जाके देख सकते हैं। अगर आपका मन किया हो तो यहाँ पे पीडीएफ स्टोर का ssclubstore.com पे जा सकते हैं, वहाँ पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कुछ लोगों को पीडीएफ से एलर्जी होती है, जैसे कि कुछ एक भाई ने मुझे कमेंट करके बोला कि आप सिर्फ पीडीएफ पीडीएफ करते हैं। तो मैं बोल देना चाहता हूँ कि इस चैनल का खासियत पीडीएफ है और ये हमेशा होता रहेगा। मैंने उनको बोला कि आप एक बार वीडियोज जाके चेक कर लीजिए प्लेलिस्ट में कि क्या मैंने पढ़ाया नहीं है, सिर्फ पीडीएफ पीडीएफ किया है। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा कहना है कि बिना पीडीएफ का आप कहीं भी जाएं, कोचिंग जाएं, आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए। तो सुन के बहुत ही बुरा लगता है कि पूरा का पूरा मैंने 74 शिफ्ट मैंने खत्म करा दिया एक एक चैप्टर का, और बोल रहे हैं कि मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ मैं बोलना चाहता हूँ कि ये पीडीएफ पीडीएफ हमेशा होगा, क्योंकि ये पीडीएफ मैं आपके सामने नहीं आ सकता, मैं आपको कोई फोटो कॉपी करा के नहीं दे सकता। तो ये पीडीएफ ही सहारा एक बनता है कि मैं ऑनलाइन प्रोवाइड करूं। तो कुछ फ्री होता है, कुछ पेड होता है, जिसमें ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि मेहनत सब में लगती है, पूरा का पूरा पीडीएफ मेहनत लगती है। अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है तो देख लीजिए। तो कुछ में मैं फ्री करता हूँ, कुछ में पेड रखता हूँ। तो जिनको पीडीएफ पीडीएफ अच्छा नहीं लगता है, आप बहुत सारे चैनल हैं वहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग देखते हैं रेशियो प्रोपोर्शन का वीडियो, जो हम लोग टाइप वन देखने वाले हैं। और इस क्वेश्चन में देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है। ए रेशियो बी थ्री रेशियो एट दिया गया है और इसको सॉल्व करना है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, हम लोग क्या करेंगे, ए का वैल्यू पुट कर देंगे और बी का वैल्यू पुट कर देंगे। ये चूंकि वैल्यू नहीं है, सिर्फ हम लोग मान लें कि ए कितना है, 3 के बराबर है, और बी क्या है, 8 के बराबर है, ये मानना है। और हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, आप एक बार चेक कर सकते हैं। इसमें 7a = 5, b = 2c दिया गया है। अब इन लोग इसमें क्या करते हैं, बहुत लोग रेशियो लेते हैं, रेशियो से इक्वेट करते हैं। तो ऐसा होता है, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग को शॉर्टकट पता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि आप देखें कि यहाँ पे क्या है, 7a है, तो इसको छोड़ दें, दोनों क्या है, 5 2 जा 10, तो यहाँ 10 लिख दें, ठीक है। फिर रेशियो देखें, बी का है, बी को छोड़ दें, बी को छोड़ने के बाद बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो मैं इरेज करता हूँ, बीच में क्या है, बी है, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 और 2 14 करेंगे, 14 हो गया। फिर सी का निकालना है, तो इसको छोड़कर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो गया, 10 रेशियो 14 रेशियो 35। आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं कराता हूँ, जिससे आपको और समझ में आ जाए। जैसे कि यहाँ ए का निकालना है कि ए रेशियो बी रेशियो सी में ए का पार्ट कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 12 इंटू 30, 12 इंटू 13, तो 156। आप इसी तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर ये क्या हो गया, बी का निकालना है, तो 5 है और 13 है, तो 13 5 65, 13 5 जो 65। और सी का निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 और 12, क्या हो गया, 60। देखा आपने कितना आसानी से समझ चुका है, तो आप डायरेक्टली कर सकते नहीं है, सारा क्वेश्चन इसी बेस्ड है, आप देख रहे होंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। रेशियो का टाइप टू देखते हैं, रेशियो का टाइप टू में क्या था। ये क्वेश्चन में लिखा गया है कि 27 इतने हजार का प्रॉफिट हुआ है, ये हजार में नहीं है, 1 × 10 100, 2,77,022, तो इतना का प्रॉफिट हुआ है और इसे इतने लोग में बांटना है, 3 रेशियो 6 रेशियो 2 में बांटना है। तो चकोर का कितना है, तो चकोर थर्ड में आया है और थर्ड पार्ट कितना है, 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पूरा का पूरा दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 6 3 9 2 11, यहाँ कर क्या कर देंगे, 11 कर देंगे। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 5 2 0 0, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 0 4 0 0 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, जिससे आपको आसानी से समझ आए। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना दिया गया, 7 2 8 0 0, और यहाँ रेशियो के अनुसार कितना प्रॉफिट हुआ है, 7 5 12 4 16, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। निकालना किसका है, चरण का, चरण किसका है, चरण चरण का क्या है, 4 पार्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इतना ही है, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, 1 8 7 2 0 0, ये पूरा प्रॉफिट है, कितने बांटा गया, 1 रेशियो 2 रेशियो 5 में, टोटल प्रॉफिट यहाँ कितना हो रहा है रेशियो के अनुसार, तो हमारा हो रहा है 2 5 7 1 8,
8 इंटू निकालना क्या है चिरंजीव का, चिरंजीव का पार्ट कितना है 5, 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखा आपने इसी तरह हम लोग बनाते जाएंगे, ये सब क्वेश्चन इजी था, तो आप चेक कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सारा क्वेश्चन इसी में है। उसके बाद रेशियो का टाइप 3 देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि धारी सैलरी इज 5/3 टाइम्स ऑफ हरिराज सैलरी, सौनक इज 2/3 टाइम्स ऑफ हरिराज, व्हाट इज द रेशियो ऑफ गिरधारी एंड टू सौनक। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, गिरधारी का सैलरी किसके बराबर है 5/3 ऑफ एच के, तो यहाँ पे जी रेशियो एच कितना हो गया, जी रेशियो एच हमारा हो गया 5/3। आप देखेंगे एच इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये, अब यहाँ पे सौनक इज 2/3 टाइम्स ऑफ हरिराज, तो सौनक और हरिराज क्या हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सौनक और हरिराज कितना हो गया 2/3। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 3 है, दोनों में 3 है तो हमारा जो गिरिराज और सौनक का 5/2 हो जाएगा। आप देख रहे हैं सारा क्वेश्चन इसी बेस्ड है, देख रहे हैं यहाँ 6 है और यहाँ क्या 7 है, लेकिन यहाँ पे क्या आने वाला है अलग अलग आने वाला है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ 7/6 है और ये क्या है 8/7 है, ये क्या है जी है और ये क्या है एच है, तो जी रेशियो एच मानते हैं और ये क्या है एस है और एच है, एस रेशियो एच मानते हैं, तो यहाँ दोनों एच है, तो ये पार्ट को हम लोग क्या करेंगे इक्वल कर देंगे, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ 7 और यहाँ 6, तो यहाँ 7 और यहाँ 6 अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे इजी बहुत ही सारा तरीका है, लेकिन प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादा आपको सोचना ना पड़े, सिर्फ और सिर्फ 11/7 लिखें, यहाँ क्या क्या है जी और यहाँ एच है, जी रेशियो एच, यहाँ क्या है एस है एच है, यहाँ एस और एच लिखें और 3/4 है 3/4 लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या है ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है और ये दोनों का निकालने के लिए बोला गया है, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करना है, यहाँ क्या हो जाएगा 44 और यहाँ क्या हो जाएगा सॉरी यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 21। देखा आपने 44/21 आ गया, सारा क्वेश्चन इसी बेस्ड है। तो इसका शॉर्टकट तो बहुत सारा तरीका हो सकता है, मैंने प्रैक्टिकल बताया कि आपको ज़्यादा सोचना पड़े, क्वेश्चन देखने के बाद तुरंत हम बना सकें। रेशियो का टाइप 4 देखते हैं, लिखा गया बस फेयर बिटवीन टू सिटी इज इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ 5/11। अब ये मान लीजिए कि जो दो सिटी था, दो सिटी का जो बस फेयर था, मतलब कि यहाँ से यहाँ जाने का बस फेयर का इंक्रीज कर दिया गया, मतलब ऐसा मान लीजिए कि पहले 5 था अब 11 हो गया, पहले क्या था 5 रुपया था अब क्या हो गया 11 रुपया हो गया। फाइंड द इंक्रीज इन द फेयर इफ द ओरिजिनल फेयर इज 275। ओरिजिनल फेयर कितना था 275, मतलब कि 275 जो है वो क्या है 275 हमारा पहले का प्राइस, पहले जो जितना था, तो हम लोग क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। अब पूछा क्या जा रहा है कि डिफरेंस कितना है, इंक्रीमेंट कितना हुआ, तो हमारे अनुसार इंक्रीमेंट कितना हुआ, यहाँ रेशियो के अनुसार इंक्रीमेंट रेशियो के अनुसार 6 हुआ है, तो हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 6 कर देंगे, आप सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह पे है, यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन है, बस का फेयर का इंक्रीमेंट हुआ है 11/8, मतलब पहले समझिए 11 रुपया था अब 18 हो गया, ये मानकर चलना ये ऐसा है नहीं, ओरिजिनल प्राइस 550 रुपया दिया हुआ है, तो 550 रुपया ये क्या है ओरिजिनल फेयर, तो हमारे अनुसार ओरिजिनल फेयर क्या है 11 है, और निकालना क्या है दोनों का डिफरेंस, मतलब कि कितना रुपया इंक्रीज हुआ, तो ये रेशियो के अनुसार कितना रुपया इंक्रीज हुआ 7 रुपया। सॉल्व करें आंसर 350 आ जाएगा, तो ज़्यादा सोचने की कोशिश ना करें, क्वेश्चन दिखे और जल्दी से हम बनाने का कोशिश करें, कुछ शॉर्टकट में क्या होता है सोचना पड़ता है कि अब क्या करना पड़ेगा। रेशियो का टाइप 5 देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है, बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ एन एंट्री टिकट टू फेयर इन द रेशियो। अब यहाँ पे वही बात किया गया, एक क्या है मेला लगता है, मेले में पहले 9 रुपया लगता था अब 13 रुपया कर दिया गया, पहले 9 रुपया लगता था अब 13 रुपया कर दिया गया, उसके बाद क्या हुआ नंबर ऑफ विजिटर्स डिक्रीज हो गए, मतलब कि जितना लोग देखने आते थे वो कम हो गए, पहले 7 लोग आते थे अब कितने आने लगे हैं 4, ये क्या है मनी है और ये क्या है नंबर ऑफ पीपल्स हैं जितना विजिट कर रहे हैं, ठीक है। अब बोला गया व्हाट रेशियो हैज अ टोटल कलेक्शन इंक्रीज और डिक्रीज, जो कलेक्शन हुआ है पैसा बढ़ाने के बाद वो इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है किस फॉर्म में क्या हुआ है, तो आप सीधा सा समझिए कि पहले 9 रुपया था तो 7 लोग आते थे, तो हमारा कलेक्शन कितना हुआ 63 रुपया, सिंपल सी बात है। अब है कि अब 13 रुपया कर दिया गया है, विजिट कितना करते हैं 4 लोग, तो अब कलेक्शन कितना है
तो 13 रुपये एक आदमी दे रहा है, तो 13 चौके कितना हो गया, 52। तो आप सिंपल से देख सकते हैं कि पहले 63 रुपया कोई कमा रहा था, अब कितना कमा रहा है, 52 रुपया। तो हमारा क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ है। अब डिक्रीमेंट वाला देख लीजिए, इंक्रीज तो हुआ नहीं है, अब डिक्रीज है। तो डिक्रीज क्या है, 63 और 52। तो 63 और 52 वाला होगा सिर्फ और सिर्फ, देख रहा हूँ, ज्यादा सोचने की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या करें, इसको इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको इसको मल्टीप्लाई करना है, हमारा आंसर वही होगा। मैंने बस क्वेश्चन समझाने के लिए इतना बताया है। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 17:9 है और यहाँ पे क्या है 11:10 है। अब देखिए 17 × 11 आप शायद मल्टीप्लाई ना करें, तो यहाँ पे क्या करें 19:10 कर सकते हैं, 19:1 190 होता है। आप देखिए 190 कहाँ है, यहाँ है, लेकिन हो सकता है ये कट जाए, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है लेकिन हो सकता है कट जाए, इसलिए आप 17 × 11 भी करके देख लें तो 187 आएगा। सारा क्वेश्चन इसी बेस्ड है, देख रहे होंगे आप। अब रेशियो का टाइप 6 देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है और बहुत अच्छे तरीके से मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ, वो आपको अच्छे से समझना है। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक आर्मी का सिलेक्शन प्रोसेस हो रहा है, जिसमें सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड मतलब चुने हुए व्यक्ति और नहीं चुने गए व्यक्ति का रेशियो क्या है, 3:1। तो आप मान लीजिए कि जो सिलेक्शन हुआ है 3x का हुआ है और जो सिलेक्शन नहीं हुआ है वो एक्स लोग का हुआ है, ठीक है। तो टोटल लोग कैंडिडेट अप्लाई कितना किए थे, तो अप्लाई जो पूरा का पूरा जितना चुनाया और जितना नहीं चुनाया तो दोनों का होगा, तो दोनों का मतलब कि अप्लाई कितना किया गया था, 4x किया गया था। टोटल टोटल अप्लीकेशन कितने आए थे, 4x, जिसमें 3x चुना गए मतलब सिलेक्शन हो गया और x लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। अब क्वेश्चन बोला गया है इफ 60 लेस हैड अप्लाइड, अगर 60 लोग कम, तो 30 लोग कम सिलेक्टेड होते, मतलब कि जो जो अप्लीकेशन आए थे अगर 60 कम आते, तो 60 कम आते तो अप्लीकेशन कितने आए थे, 4x। तो हम लोग क्या करते हैं, 60, क्या करते हैं, 60। तो ये क्या हुआ, कितना अप्लीकेशन आया है और हमारा सिलेक्शन कितना होता है, 30 कम होता, तो सिलेक्शन ऐसे कितना हुआ, ऐसे 3x हुआ है, ऐसे कितना हुआ है, 3x हुआ है। तो कितना कम सिलेक्शन होता, तो 30 कम सिलेक्शन होता। तो रेशियो अब बन जाता सिलेक्शन और अनसिलेक्शन का, मतलब सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का 5:1। तो 5:1, अब यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हम लोग 5:1 लिख देंगे तो सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बहुत ही गलत होता है क्वेश्चन इसमें यही पार्ट में कि हम 5:1। अब यहाँ पे रेशियो है तो आपको समझना पड़ेगा कि रेशियो हम लोग सेम तरीके से क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। ऊपर हमने क्या लिया, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड, तो यहाँ अगर 5:1 लिखा हुआ है तो 5 लोग का सिलेक्शन हुआ, 1 लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कितना लोग अप्लाई किए थे, तो 6 लोग अप्लाई किए थे। तो हमारा जो ऊपर लिखाएगा क्या लिखाएगा, 6 लिखाएगा, क्योंकि ऊपर हमने क्या लिखा है, टोटल सिलेक्शन लिखा है, नीचे माना यहाँ पे नीचे क्या मैंने लिखा है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है जितना लोग अप्लाई किए थे उसमें से कितना सिलेक्शन हुआ है, तो 3x-30, अगर 60 कम अप्लाई होता तो यहाँ पे जो यहाँ पे क्या लिखाएगा, 5 लिखाएगा, क्या लिखाएगा, 5। एक तरीका तो ये है, और बाकी ये भी कर सकते थे कि 4x में से 4x-60 में 3x-30 सब्ट्रैक्ट करते तो हमारा जितना अनसेलेक्टेड होता वो भी निकल जाता। तो वो भी मैं बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे क्या था, 4x-60 टोटल एप्लीकेशन आए थे, अगर 60 कम होता तो सिलेक्शन कितना लोग का हुआ, 3x-30। अब जैसे यहाँ पे 30 प्लस में क्यों हो गया, क्योंकि माइनस मैंने किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब यहाँ 4x में से 3x जाएगा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और 60 में से 30 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -30 बच जाएगा। अब इतने लोग नहीं चुना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते थे कि 3x-30 / x-30 = 5:1। अब ये हमारा क्या था, ऊपर का सिलेक्टेड का था और इधर अनसिलेक्टेड का था, तो हमने यही किया है। तो आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन, बस आपको x का वैल्यू निकाल देना है। x का वैल्यू निकालने के बाद जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो आप क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड अप्लाइड फॉर द प्रोसेस, कितने लोग अप्लाई किए थे, तो यहाँ से क्या हमको निकालना है, 4x का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, 4x का, x का जो भी आएगा यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, एक मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ, ये मैंने प्रोसेस बताया, और एक क्वेश्चन जैसे करके बताता हूँ। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है एक आर्मी प्रोसेस है, सेम क्वेश्चन है, सिलेक्शन और अनसिलेक्शन का 3:7 6:1 है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, 7 लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, 6। यहाँ पे 30 लेस क्या होते हैं, 30 कम चुनाते, तो मैंने यहाँ पे 30 लिख दिया, और ये क्या होता है, नीचे क्या है, 10 कम सिलेक्शन होता, तो यहाँ पे क्या होगा, 6x-10, क्योंकि सिलेक्शन कितना हुआ था, 6x, अगर 30 कम अप्लाई करते तो 10 कम लोग सेलेक्ट होते, तो यहाँ पे मैंने वो कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे 7:1 दिया हुआ, तो मतलब पूरा जो अप्लीकेशन आया था यहाँ पे कितना आया, 8,
और सिलेक्शन कितना हो 7, तो आप ये कर सकते हैं। तो सारा क्वेश्चन आपको इसी बेस्ड है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे। रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ रतन बली एंड सौकत इज 8:5, मतलब कि 8 और 5x आफ्टर 22 ईयर्स। यहाँ पे क्या करते हैं, 22 ईयर्स क्या हो जाता है, 22 ईयर्स दोनों में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो रेशियो क्या हो जाता है, 10:9। तो रतन बली का एज क्या है, तो रतन बली का एज क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा, तो 8x टेबल निकालना है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, आप ये आसानी से बना सकते हैं, सारा क्वेश्चन इसी बेस्ड है, देख रहे हैं आप। तो ये क्वेश्चन को बताने की तो जरूरत है नहीं, और ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, ये एक बैग में इतना रुपीज है और इसको सॉल्व करना, तो ये प्रोसेस तो मैं बता जरूरत है नहीं, बहुत ही इजी तरीके से आप बना सकते हैं इसको। एक क्वेश्चन ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अमंग द थ्री नंबर्स द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, मतलब कि अगर फर्स्ट और सेकंड का रेशियो निकाला जाए, ये क्या है, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो निकाला जाए, तो हमारा क्या दिया हुआ है, ट्वाइस द सेकंड है, तो मतलब कि अगर ट्वाइस फर्स्ट वन है तो क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, और फर्स्ट रेशियो थर्ड, फर्स्ट रेशियो थर्ड, मैं फर्स्ट और थर्ड लिख देता हूँ, इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्राइस द थर्ड है, तो अगर ये थर्ड वाला नंबर वन है तो ये क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। अब दोनों की इक्वेट करना है, हमको क्या करना है, यहाँ भी फर्स्ट है और यहाँ भी फर्स्ट है, दोनों की इक्वल करना पड़ेगा, तो यहाँ थ्री मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ टू मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 6:3, और ये क्या हो जाएगा, 6:2। तो ये हमारा क्या था, ए था, मतलब कि फर्स्ट था तो 6, बी वाला कौन था, मतलब सेकंड क्या था, 3, और ये क्या हो जाएगा, 2, तो 6:3:2। एवरेज क्या दिया हुआ है, 6:3:8, 6:3:8 दिया, मतलब कि टोटल इसका सम क्या होगा, 6:3:8 × 3। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट और थर्ड नंबर का डिफरेंस कितना है, तो 6:3:8 हमारा का पूरा क्या सम है, और हमारे अनुसार सम कितना हुआ है, 6:3:9 × 2 = 12, 6:3:9 × 2 = 12। तो ये 12 हम लोग नीचे रखेंगे, और डिफरेंस निकालना है, फर्स्ट और थर्ड नंबर का डिफरेंस निकालना है, और हमारे अनुसार फर्स्ट और थर्ड डिफरेंस कितना है, 6, 4 है, तो 4 का डिफरेंस है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लोग प्रोपोर्शन देखते हैं, प्रोपोर्शन में क्या है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया था। अब जैसे कि यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो हम लोग प्रोपोर्शन लिखते कैसे, आपको ध्यान रखना है, ए रेशियो बी, प्रोपोर्शन का साइन रहता है सी रेशियो डी। अगर तीन नंबर प्रोपोर्शन में है, जैसे कि ए रेशियो बी रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन में है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी, तो उसी फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है कि हम लोग क्या करेंगे, 9:15 है, और प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, 15:x निकालना है, जो तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको पता होगा कि प्रोडक्ट स्ट्रीम टर्म और मिडिल टर्म इक्वल होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 15:15/9। अब ये सॉल्व करेंगे तो 25 आ जाएगा, आप चेक करके देख सकते हैं। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी था, आप बना सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन है प्रोपोर्शन का, प्रोपोर्शन का टाइप टू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से समझना है कि आप क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ये बहुत अच्छे से समझना है आपको। ये क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छुपाकर एक बनाया गया है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड टू नंबर सच दैट देयर मीन प्रोपोर्शन इज 8, मतलब कि अगर कोई दो नंबर है, मान लेते हैं दो नंबर है, उसका बीच का प्रोपोर्शन क्या है, 8 है, इसका मतलब किस फॉर्मेट में है, x:x,8,y, दो नंबर माना और उसका मीन प्रोपोर्शन क्या है, 8 है, इसका मतलब अगर इसको प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखें तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ से समझ सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म मिडिल टर्म का इक्वल होता है, तो यहाँ से क्या हो गया, x:y = क्या आ गया, 64, ये पता चल गया। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दोनों नंबर का थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, 64 है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, 64 है, तो दो नंबर है x:y और थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, 64, फिर इस फॉर्म में लिखेंगे, तो इस फॉर्म में इस बार कैसे लिखाएगा, x:y प्रोपोर्शन का साइन, फिर यहाँ पे y लिखाएगा, फिर क्या लिखाएगा, 64। अब यहाँ पे फिर से हम लोग इक्वेट करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, y²=64x आ जाएगा। अब जैसे कि आपको पता है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x y = 64, तो x = क्या हो जाएगा, 64 by y। अब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो 64 × 64 by y हो जाएगा, और y का वैल्यू y³=64 × 64 हो जाएगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि y = क्या आ जाएगा यहाँ पे, आप देख अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आपका हमारा 4, ये भी 4 का क्यूब है और ये भी 4 का क्यूब है, तो 4 × 4 यहाँ पे 16, तो एक 16 आ गया, और दोनों का मल्टीप्लाई क्या था, 64 था, तो दूसरा क्या होगा, 4 होगा, तो 16 × 4 = 64, तो आंसर 1 6 4 है, और ये क्या है, 1 16 है। इसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, सेम क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे, आप बना सकते हैं।
यहाँ पे एक्स वाई नंबर है, मीन प्रोपोर्शन 6 है, और प्रोपोर्शन थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, 48 है, सेम तरीके से बनाना है। तो हमारा पूरा का पूरा जो रेशियो और प्रोपोर्शन है चैप्टर खत्म हो गया है, और मैं जल्दी अपलोड करने का कोशिश करूँगा नंबर सिस्टम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें इस वीडियो को देखने के। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।